आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती उसका 21वां अध्याय और 23 से लेकर 32 तक, मत्ती 21 23 से लेकर 32। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने उसको यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूस लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना का धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सको, अपने दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चल सको। एक बार पतरस जो मछुआरे थे और उनका सगा भाई आंद्रियास और उनके सहभागी मतलब कि भागीदार वो याकूब और यूहन्ना, ये लोग पूरी रात इन्होंने मछली पकड़ी, लेकिन पूरी रात में मेहनत करने के बाद भी कभी इधर जाल डाली कभी उधर जाल डाली, लेकिन एक भी मछली इनके जाल में नहीं आई। अब इनका कारोबार यही था, कारोबार नहीं होगा तो खाएंगे क्या। और सुबह हो गई, ये लोग अभी अपने घर पर नहीं गए थे और पतरस जो थे वो अपनी जाल साफ कर रहे थे, और तभी वहाँ पर प्रभु यीशु आ गए। और प्रभु यीशु अकेले नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। तो प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, मुझे तेरी किश्ती में बिठा और मैं इनको प्रचार करना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, बोले मछली है कि नहीं? बोले हमारे पास तो मछली नहीं है। तो बोले एक काम कर, गहरे जल में जाल डाल। तो पतरस ने कहा कि स्वामी, हमने पूरी रात बहुत मेहनत की लेकिन मछली नहीं आई। लेकिन फिर बोलते, कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो आपके कहने से मैं एक बार फिर गहरे जल में जाल डालता हूँ। और पतरस अकेले चले गए और जाकर उन्होंने जाल डाली, और जैसे ही जाल डाली इतनी सारी मछली आ गई कि जाल भी फटने लगी। उन्होंने अपने साथियों को कहा, बोले जल्दी आओ मेरी सहायता करो, बहुत भारी मात्रा में मछलियाँ जो है वो आई हुई है। और सभी ने उनकी सहायता की। पतरस एक आम इंसान, मछुआरे, और
हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मछली का कारोबार करने वाले कोई बड़े लोग नहीं होते, जिसको लोग बड़े गोत्र से मानते हैं, बड़े कौम से मानते हैं, अच्छे घराने के मानते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर मछली का कारोबार नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग कि जिसको गिरे हुए लोग कहते हैं, जिनको हल्के लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ये काम करते। कारण ये है कि मछली जो है वो कारोबार करते करते उसमें बदबू जो है वो आती रहती है, और इसलिए जो बड़े घराने के लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसमें पढ़ते नहीं हैं। ये कुछ ऐसे लोग के जो बिछड़े हुए लोग बोलते हैं, ऐसे लोग ये कारोबार में ज़्यादा होते हैं कि जिनके साथ उठना बैठना लोग पसंद नहीं करते, ऐसे लोग ये मछली का कारोबार करते। अभी पतरस उन्हीं में से एक वो मछुआरे और बहुत सारी मछली जो है वो वहाँ पर आई। फिर क्या हुआ, अभी मछली लेकर आए, बाहर ढेर लगाया होगा, अभी सोच रहे होंगे बाजार में जाएंगे, इसको बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन तभी प्रभु सुने पतरस से एक बात की, और हम बाइबल में पढ़ते हैं लुका उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 10 और 11 पद। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समुन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समुन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीता पकड़ा करेगा। हाँ, प्रभु ने कहा अब से तू इंसान को इधर, अब से तू इंसान को पकड़ने वाला बनेगा। हाँ, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और ऐसा हुआ कि पतरस जो है वो तुरंत ही सब कुछ छोड़कर और प्रभु के पीछे चल पड़े। और सिर्फ पतरस नहीं, लेकिन पतरस का भाई और पतरस के दोनों साथी, चारों लोग एक ही बार में, एक चमत्कार क्या हुआ, और ये चारों लोग जो है वो सब कुछ छोड़कर मछली को वैसी की वैसी छोड़कर, ऐसा भी नहीं बोला कि प्रभु हम इसको बाजार में बेचकर कैश कर आते, ऐसा भी नहीं बोला। लेकिन वो चारों लोग उसी वक्त से प्रभु यीशु के पीछे वो लोग चल पड़े। एक बार प्रभु यीशु और उनके चेले जो थे वो लोग कहीं जा रहे थे, और रास्ते में उनको सामरिया से होकर जाना पड़ा, और उस वक्त प्रभु यीशु को भूख लगी थी। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाओ शहर में जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। और चेले जो थे वो बाजार में खरीद करने के लिए गए, और तभी प्रभु यीशु वहाँ पर याकूब का कुआ था वहाँ पर बैठ गए। जब प्रभु यीशु वहाँ पर बैठ गए तो उस कुएं के पास एक सामरी स्त्री जो थी वो वहाँ पर आई, और वो पानी भरने के लिए आई थी। दोपहर था और धूप बुरी तरह से निकली हुई थी, और तभी ये स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए आई। प्रभु यीशु को प्यास भी लगी थी, प्रभु यीशु ने बोला स्त्री मुझे पानी दे। तो जो स्त्री है वो बोल रही, तू तो यहूदी है और हम सामरी लोग हैं, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं, हमारी आपस में बनती नहीं, तो फिर तू क्यों मेरे पास पानी मांगता है। तो प्रभु ने उससे कहा कि स्त्री अगर तू मुझे जानती होती तो परमेश्वर को जानती होती, तो परमेश्वर के वरदानों को जानती होती तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। तो स्त्री जो है वो बोलती है कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, और हमारा पूर्वज याकूब उसने एक कुआ हमको बना कर दिया, आज तक उसमें से पानी निकल रहा है। बोले तू क्या याकूब से भी बड़ा है जो मुझे तू पानी देगा। तो प्रभु उसने बोला याकूब के कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको तो फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी दूंगा वो जो एक बार पी ले उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी, और उसके पेट से वो झरना सोता बनकर वो बहने लगेगा, और वो भी अनंत काल तक। जब स्त्री ने यह सुना तो स्त्री खुश हो गई, बोले फिर प्रभु ये पानी मुझे दे दे, मुझे यहाँ तक भरने के लिए ना आना पड़े। प्रभु यीशु आत्मा की बात कर रहे और स्त्री जो है वो सांसारिक बात कर रही है। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे पानी देता हूँ, जीवन का जल देता हूँ, लेकिन तू जा और अपने पति को लेकर आ। तो ये स्त्री बोलती है मेरा पति नहीं है। तो प्रभु उसने उससे कहा, बोले तूने सच कहा कि तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 शादी तो कर चुकी है और अभी जिसके साथ तू रह रही वो छठवा है, लेकिन तूने उसके साथ बाकायदा शादी नहीं की।
इसका मतलब स्त्री जो थी आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी बात, उस समय इतनी व्यभिचारिणी थी कि 5 शादी कर चुकी थी और छठवें के साथ वह ऐसे ही रहती थी। ऐसी हल्की जिसको बोलते हैं ऐसी स्त्री, गिरी हुई स्त्री, प्रभु यीशु के साथ बात कर रहे और प्रभु यीशु के साथ बातें करते करते उसको कह रहे जाते रहे पति को बुला कर लेकर आ। ऐसी स्त्री जो 5 पति कर चुके है छठवें के साथ ऐसे ही रहती है और प्रभु यीशु ने उससे बात की। और ये जो स्त्री है उससे जब प्रभु यीशु की बातें सुनी उसको उसको लगा कि ये इंसान बाहर से आया, मैं पहली बार इसको मिल रही हूँ और इसको कैसे पता कि मैं ऐसी स्त्री हूँ, इसको कैसे पता चल गया। तो स्त्री बोल रही मुझे तो लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है क्योंकि तुझे ये सारी बातें कैसे पता चल गई। और फिर वो बोल रहे कि हम लोग मसीह का इंतजार कर रहे। तो प्रभु उसने बोला तेरे साथ जो बात कर रहा है वही वो मसीह है। और जैसे ये स्त्री ने सुना स्त्री वहाँ से भागी। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 28 और 29 पद। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। ये जो स्त्री है वो तुरंत ही, अभी तो प्रभु उससे बात कर रही है, मालूम नहीं उनकी बातें 10 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी, या आधा घंटा चलेगी, घंटा चलेगी, मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात खत्म हुई स्त्री को पूरा विश्वास आ गया कि यही मसीह है। और वो जो स्त्री है वो अपना घड़ा लेकर आई थी, उस घड़ा वहीं पर फेंक दिया और तुरंत भागी वो और भाग कर गई। और भाग कर जाने के बाद पूरे शहर वालों को, दोपहर थी, सब लोग आराम कर रहे होंगे, बड़ी धूप थी और सब लोग अपने काम से काम निपटा कर सभी लोग आराम कर रहे होंगे। तभी ये भाग कर जाती है, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती है और अंदर से जो भी निकलता उसको बोलते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे एक पुरुष मिला है, उसने मेरी सारी बातें कह दी है, कहीं वो तो मसीह नहीं है, आके देखो, बोले कहीं वो तो मसीह नहीं है। तुरंत ही ऐसी स्त्री जिसको लोग गिरी हुई कह सकते हैं, ऐसी स्त्री जिसने 6 पति कर चुकी थी, ऐसी स्त्री लेकिन प्रभु उसकी गवाही तुरंत ही देने लगी और पूरे शहर को इकट्ठा कर वो प्रभु से के पास वो लेकर आई। एक बार प्रभु से कहीं जा रहे थे और वहाँ पर एक इंसान मिला, इंसान था जन्म से अंधा और प्रभु से उसको देखा और चले पूछने लगे कि यीशु ये किसके पापों के कारण अंधा है, उसके माता पिता के या उसके खुद के पापों के कारण। अब प्रभु उसने एक बड़ी बात कही, ना तो उसके माता पिता के पापों के कारण ना तो उसके खुद के पापों के कारण, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के काम प्रकट हो इस कारण से ये अंधा हुआ है। और फिर प्रभु ने उसको आंखें दी, प्रभु ने कीचड़ किया उसकी आंखों के ऊपर लगाया, उसको बोला जा तो सिलोआ के जो कुंड है उसमें जाकर अपने आँखें धो ले और तू देखने लग जाएगा। और ये इंसान जो है वो तुरंत ही वो देखने लग गया। लेकिन सही में ये इंसान का जन्म जो था बहुत पापों में हुआ था क्योंकि उसके माता पिता का जीवन बहुत पापों में था, ऐसा यूहन्ना 9 और उसके 34 पद में लिखा है कि उसका जन्म जो था वो बहुत ही पापों में हुआ था। अभी क्या हुआ कि प्रभु यीशु इस अंधे से एक बार फिर मिलते और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसका 9 अध्याय और पढ़ तो 35 से यूहन्ना 9। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। ये इंसान जो बहुत पापों में पैदा हुआ था उसका 34 पद भी पढ़ लो तो पता चले। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। हाँ, वो तो बहुत पापों में पैदा हुआ था और प्रभु यीशु उससे मिले और प्रभु यीशु उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के बेटे के ऊपर तू विश्वास करता है। आगे पढ़ो 35।
उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। हाँ, अंधा प्रभु से पूछ रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है कौन कि जिसके ऊपर मैं विश्वास करूं। एक ऐसा इंसान जो पूरे पापों में पैदा हुआ है, पापों की सजा अभी तक भुगत रहा है और उसको परमेश्वर ने आंखें दे दी। अब प्रभु उससे बात कर रहे, बोले क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास कर रहा है। वो बोले वो कौन है कि जिसके ऊपर मैं विश्वास करूं। पढ़ो आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ प्रभु, उसने उस अंधे से बात की, तूने उसे देखा भी है। तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है। हाँ, जो तेरे साथ बात कर रहा है वो वही है। ये वही है। बोले मैं ही वही परमेश्वर का पुत्र हूँ, तू मुझ पर विश्वास करता है क्या? और क्या कहा उसने आगे? उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। हाँ, उसने तुरंत ही प्रभु से के ऊपर विश्वास किया और प्रभु से की उपासना वो करने लगा। उसने प्रभु यीशु को दंडवत किया। ये भी देख रहे जाओ, एक गिरा हुआ व्यक्ति जिसका जन्म ही बहुत पापों में हुआ था, उसके माता पिता की वहाँ पर कोई इज्जत नहीं होगी, मालूम उनका जीवन कैसा होगा। बाइबल में ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है कि बहुत पापों में थे वो लोग। अभी हो सकता है कि बहुत लोग उनसे कतराते होंगे, ऐसा जीवन होगा और यह उसी में पैदा हुआ, उस पर से भीख मांग रहा था, ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति। लेकिन जैसे उसको पता चला कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है तो तुरंत वो विश्वास करने लगा और उसने प्रभु यीशु की आराधना की, भक्ति की, प्रभु यीशु को दंडवत किया। तुरंत उन्हें उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। एक बार प्रभु यीशु जो थे वो बैथन्या को गए, और जब बैथन्या गए तो वहाँ पर लाजर नाम का एक व्यक्ति था और उसकी दो बहनें थी, और जो दो बहनें थी उनका नाम था मार्था और मरियम, और उन लोगों ने प्रभु यीशु को खाने के ऊपर बुलाया और प्रभु यीशु वहाँ पर खाने पर बैठ गए। और ये जो परिवार था कि उसमें सभी का नाम साथ में तो नहीं लिखा, लेकिन ये एक बात ऐसी है जो चारों सुसमाचार में दी गई है, मत्ती में भी है, मरकुस, लुका और यूहन्ना में भी है, ये बात चारों सुसमाचार में दी गई है। अभी लुका में जब हम इसको पढ़ते हैं तो लुका और उसका सातवां अध्याय, लुका सात और पढ़ो तो उसका 36 से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, प्रभु यीशु जो है उनको किसी फरीसी ने खाने पर बुलाया और प्रभु यीशु वहाँ पर खाने के लिए गए। और पढ़ो उस नगर की एक पापी ने स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हाँ, ये जो स्त्री थी जो उस नगर में रहती थी वो उस घर में आई और वो इत्र लेकर आई। अभी यही बात हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। यीशु पसा से 6 दिन पहले बैतनिय्या में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। वहाँ नहीं, फिर से पढ़ो। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ। तो मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों ने बुलाया, लाजर, मार्था और मरियम ने बुलाया। लुका में यही बात पढ़ते हैं तो लिखा है कि सीमोन नाम के कोड़ी था, फरीसी था, उसने घर पर बुलाया था और तब मरियम ने इत्र डाला। इसका मतलब पता चलता है कि वो सीमोन कोड़ी कोई और नहीं लेकिन मार्था, मरियम और लाजर के पिता थे, उन्होंने अपने घर पर बुलाया। और जब घर पर बुलाया तो मरियम वहाँ पर आई और मरियम ने क्या किया, वो एक बहुमूल्यवान एक इत्र था, वो इत्र प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया।
उस जमाने में ये बहुत ही महंगा था और सबसे महंगा समझो यही था, वो इत्र उसने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और तब उसका बाप, सगा बाप जो सिमोन कोड़ी है, वो कुछ सोचता है। और हम पढ़ते हैं ये लुका में, लुका इसका 7वां अध्याय और 39 पद। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी नहीं है। हाँ, देखो एक सगा बाप ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मरियम का जीवन बहुत ही गिरा हुआ होगा, बहुत ही व्यभिचार में फंसी हुई होगी और उस कारण से उसका सगा बाप भी उसे नफरत करता है। वो भी बेटी नहीं समझता, एक स्त्री समझकर बात कर रहा है, मन में सोच रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता इस स्त्री को हाथ नहीं लगाने देता। और इस तरह से वो बात कर रहा है। लेकिन कितना महंगा इत्र उस जमाने में यूहन्ना 12 में लिखा है उसका 300 दिनार बन सकते थे। 300 दिनार, मैं तो बोलता हूँ 300 दिनार मत समझो, 300 रुपये समझो। 2000 साल पहले हमारी बैंक 7 साल में डबल कर देती है, हर 7 साल में डबल 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 कर आओ तो 2000 साल में तो आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी। इतना महंगा इत्र जो था वो ये जो स्त्री है उसने प्रभु से के ऊपर डाल दिया। मतलब बाइबल ये कहना चाहता है कि ये स्त्री ने अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले कर दिए। एक गिरी हुई लड़की जिसका बाप भी उससे नफरत करता है, लेकिन वो प्रभु यीशु की दीवानी हो गई, प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ी और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया और अपना सारा पाप जो था उसने इस वक्त उसने छोड़ दिया। एक गिरे हुए लोग प्रभु यीशु को तुरंत ही वो लोग ग्रहण करते। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और तब बाइबल में ऐसा लिखा है लुका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय उसका 27वां पद। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को लेवी नाम का एक इंसान था जो चुंगी लेने वाला था। और चुंगी लेने वाला जो था उसके पास बेहिसाब दौलत आती थी, बेहिसाब पैसा आता था, उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था, जो उनकी तनख्वाह होती थी उससे कई गुना ज़्यादा ब्लैक मनी उनके पास आता रहता था। जिसको ये जॉब मिल गई वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। और उस वक्त समाज वाले लोग ये चुंगी लेने वाले जो होते थे उनको बहुत पापी समझते थे। लेवी उनमें से एक जिसको लोग पापी समझते। एक बार एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए गया तो उसके पीछे लेवी खड़ा था। तो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं उस लेवी के मतलब चुंगी लेने वाले के समान नहीं, चुंगी लेने वाला खड़ा था पीछे, तो बोले मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मतलब मैं तो अच्छा हूँ। तो चुंगी लेने वाले को बहुत पापी समझते थे। और ऐसा ही चुंगी लेने वाला जो था वो था ये लेवी, उसका नाम लेवी था। पढ़ो तो आगे। चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रभु सुनो उसको एक ही बार कहा मेरे पीछे हो ले और तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। देखो ये सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे वो हो गया तुरंत ही, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और तुरंत ही प्रभु यीशु के पीछे वो चलने लग गया। अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार सब कुछ छोड़कर, ये जो लेवी नाम का चुंगी लेने वाला था वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक इंसान था वो भी चुंगी लेने वाला था, मतलब पापी, और उसका नाम था जक्कई। ये लेवी भी चुंगी लेने वाला, जिसको हल्का बोलते हैं, जिसको गिरे हुए लोग बोलते हैं, लेकिन वो तुरंत ही सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा। अभी यहाँ पर जक्कई है लेकिन वो कद का नाटा था, उसको ऐसा लगा मैं भीड़ में प्रभु यीशु को नहीं देख पाऊँगा। तो वहाँ पर एक तूत का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब प्रभु यीशु वहाँ से गुजरे तो प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए और प्रभु यीशु ने उस जक्कई से कहा जक्कई नीचे उतर जा। और आज
मैं तेरे घर में विश्राम करने वाला हूँ। और जक्कई तो बहुत खुश हो गया कि प्रभु शुक्र लेकर चला गया। और जब वो लोग वहाँ पर घर में पहुँचे तो बाइबल में नहीं लिखा प्रभु से क्या प्रचार किया, क्या सिखाया, कुछ भी नहीं। लेकिन लोग बाहर बातें करने लगे, ये तो बोले पापियों के घर में जाता है, पापियों के साथ खाता पीता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, लुका उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंकालों को देता हूँ। ये जक्कई अचानक से खड़ा हो गया और उसने सबके बीच में जाहिर कर दिया कि प्रभु मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से आधी मैं गरीबों में बांट दूंगा। फिर अरे अभी किसी का कुछ भी अन्य करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। और अगर किसी से मैंने ज्यादा ले लिया है उन सभी को मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। अभी देखो इसके पास जो भी है आधा तो बोले ऐसे गरीबों में बांट दूंगा, बाकी आधा बचा उसमें से जितने लोगों के पास ज्यादा लिया है सभी को 4 गुना लौटा दूंगा। तो मैं तो बोलता हूँ इसके पास बचेगा क्या, मुझे नहीं लगता इसके पास कुछ बचेगा। लेकिन फिर भी उसने तुरंत ये काम जो है वो काम उसने अपने हाथ में ले लिया। ये भी एक गिरा हुआ इंसान, हल्का इंसान, लेकिन प्रभु यीशु से सुनकर उसने अपना जीवन तुरंत ही प्रभु को समर्पित कर दिया। और ये सुनकर प्रभु से बोला आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में मुक्ति आई है। ये सभी लोग, हल्के लोग, गिरे हुए लोग, जिनका जीवन पूर्ण रीति से पाप में, ऐसे लोग ये थे। ऐसा हो सकता है कि इनके घर वाले भी हो सकता है कि परेशान होंगे कि कैसे लोग हैं, कितना पाप में जीवन जीते। लेकिन ये सभी लोग प्रभु से के पीछे चलने लग गए तुरंत ही। ये सभी लोग इज़राइल के थे, इसका मतलब जीवित परमेश्वर इनके पास शुरू से थे। लेकिन आज तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना था, आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले थे, आज तक इन्होंने परमेश्वर की परवाह नहीं की, आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की परवाह नहीं की। हो सकता है कई बार लोगों ने सिखाया हो लेकिन ये लोग अभी तक नहीं माने। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु से मिले तो जितने लोगों के बारे में हमने देखा वो सभी लोग उस वक्त तुरंत ही मान गए, मन फिराया और प्रभु यीशु के पीछे ये सारे लोग जो है वो हो गए। लेकिन एक बार आधी रात में प्रभु यीशु के पास एक फरीसी पहुंच गया, उसका नाम था निकोदेमस। आधी रात में पहुंच गया, वो चर्च का अधिकारी था, अगुआ था, बूढ़ा था। और जब बूढ़ा हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है अनुभवी, जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा अनुभव है, ऐसा व्यक्ति। और ये जो था वो वहाँ पर प्रभु से के पास पहुँच गया और आधी रात में प्रभु से के पास पहुँच कर वो प्रभु से बातें करते, यीशु आप तो बोले स्वर्ग से आए हो, आपको परमेश्वर ने भेजा है, आप जो चमत्कार करते हो उससे हमको पता चल गया कि आप तो स्वर्ग से आए हुए, आपके साथ परमेश्वर है, वरना ये सारे चमत्कार आप नहीं कर सकते थे। प्रभु से की तारीफ की, लेकिन प्रभु से तारीफ को सुना ही नहीं। प्रभु सुनते एक ही बात की, अगर कोई इंसान नया जन्म न पाए वो स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकता। जाने की बात तो दूर, लेकिन प्रभु उसने बोल दिया कोई इंसान अगर नया जन्म न पाए तो वो स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकता। अब ये इंसान निकोदेमस जो आधी रात में आता है प्रभु से के पास, प्रभु से कितनी तारीफ करता है, जो बोल रहा है कि आप परमेश्वर के पास से आए हुए। लेकिन जैसे ही प्रभु उसने नए जन्म की बात की, इसको आ गया गुस्सा, बोले क्या कोई इंसान जो बूढ़ा हो चुका है वो वापस क्या अपनी माँ के पेट में जाकर क्या दूसरी बार जन्म ले सकता है? कितनी बेहूदी बात ये इंसान ने कर दी। अगर सच में इसको विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से, इसके साथ परमेश्वर है, वो बोल रहा है कि हमको पता चल चुका है, तो फिर इसको कैसे बात करनी चाहिए? इसको समझना चाहिए कि अगर सही में परमेश्वर की ओर से है तो मुझे शांति से बात करनी चाहिए। प्रभु आपने जो बोला मेरी समझ में नहीं आया, नया जन्म क्या है?
किस तरह से हम पा सकते हैं। अब क्या हमको समझाना चाहते हो? ऐसा कुछ इसको बोलना चाहिए, ऐसी बेहूदी बातें जो है इसको नहीं करनी चाहिए, जबकि वो कबूल कर चुका है कि प्रभु यीशु आप तो परमेश्वर की वर्षा हो। उसको शांति से पूछना चाहिए, लेकिन है कौन समाज में जिसका मान है, जिसकी इज्जत है, जो फरीसी है, जो बाइबल जानता है, जो बाइबल लोगों को सिखाता है, ऐसा इंसान लेकिन देखो कैसी बेहूदी बातें करता है, कैसी उसके जीवन से उसके मुंह से ऐसी बातें जो है वो निकलती है। मान लेना चाहिए, वो हल्के लोग तुरंत मान लेते हैं, और जिसका समाज में बड़ा नाम है वो बेहूदी बातें करता है, जो बाइबल भी जानता है, जो परमेश्वर को समझता है, लेकिन ऐसे लोग बेहूदी बातें करते हैं, जबकि जो हल्के लोग होते हैं वो तुरंत प्रभु यीशु के पीछे वो चल पड़ते, चाहे आज तक नहीं चले लेकिन अभी वो लोग चलने वाले बन गए। एक बार प्रभु यीशु के पास एक लकवा वाले को लेकर आए, और प्रभु यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा, तो प्रभु यीशु ने उस लकवे वाले से कहा कि मेरे बेटे ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा किए गए। और वहाँ पर कुछ शास्त्री लोग थे, शास्त्री लोग मतलब बाइबल के जानकार टीचर लोग, बाइबल गहराई से सिखाने वाले लोग, वो लोग अपने मन में सोचने लगे कि बोले ये कौन होता है पापों के क्षमा देने वाला, ये कौन होता है। और जैसे ही उन लोगों ने सोचा तो प्रभु यीशु को पता चल गया। प्रभु यीशु ने बोला, हे तुम लोग अपने दिल के अंदर बुरे विचार क्यों करते हो, आपके अंदर से बुरे विचार क्यों आते हैं? और उन लोगों ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला, कौन बोलता है हम लोग बुरे विचार कर रहे हैं, हमने कोई बुरा विचार नहीं किया, एक भी बार नहीं बोला। इसका मतलब इनको पता है, कबूल कर रहे कि हमारे अंदर वो बुरे विचार जो है वो है, विरोध नहीं किया इन्होंने प्रभु यीशु का, मतलब वो कबूल भी कर रहे हैं कि हमारे अंदर बुरे विचार है। लेकिन माना कहाँ इन लोगों ने, प्रभु यीशु के पीछे कहाँ चल पड़े? ये समाज में ऊंचे लोग जिनकी इज्जत है, चर्च में इज्जत है, बड़ा नाम है इनका, ये तो चर्च में सिखाने वाले, ये तो बाइबल को जानने वाले, ये तो टीचर लोग, कितना मान, सब कुछ जानते हो कि उनके अंदर बुरे विचार हैं, लेकिन ना तो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ना तो प्रभु यीशु के पीछे चले, कुछ भी नहीं किया, नहीं माना। वो हल्के लोग तुरंत मान लेते, लेकिन ये लोग नहीं। जब प्रभु यीशु ने उस जन्म से अंधे को चंगाई दी, उसको आँखें दी, और तब फरीसी लोगों को, याजक लोगों को ये बात पता चली, तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और पढ़ो तो 15 से। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। हाँ। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। हाँ, ये लोग जो थे उन्होंने उनसे को बुलाकर पूछा, क्या सच में तू तो अंधा था, क्या सच में उस यीशु ने तेरी आंखें खोल दी? क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चारों ओर ये बात फैल गई, जन्म से अंधा और उसकी आंखें मिल जाए, और ये लोग जो है वो मान नहीं रहे। उनको ऐसा हमसे नहीं होता, हम चर्च में इतने आगे है, हम फरीसी लोग, हम बाइबल जानने वाले लोग, हम लोगों को बाइबल सिखाने वाले लोग, हमारी इतनी इज्जत है, हमसे नहीं होता। ये आजकल का एक लड़का, 30 साल का लड़का, और ये सारे काम कर रहा है, इनको अंदर से जलन हो रही है, ये लोग मान रहे हैं, मान नहीं रहे। उसको बोला कि सच में तू अंधा था, सच में तेरी आंखें खुल दी? किस तरह से आँखें खुली? बोले इस तरह से मेरी आँखें खुल गई। तो बोले नहीं, वो तो शपथ को नहीं मानता है, वो तो विश्राम के दिन को नहीं मानता है। बोले छोड़ो, वो तो अच्छा इंसान वो नहीं है। फिर पढ़ो तो आगे 19 से। उसने न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है,
जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था। हाँ, अभी उसके माता पिता को भी बुला लिया फरिश्ते लोगों ने। अभी उनसे पूछने लगे, बोले क्या सच में तुम्हारा बेटा अंधा पैदा हुआ था? फिर अब वहाँ कैसे दिखता है? हाँ, बोला अभी कैसे देख रहे है? फिर उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्म था, परंतु हम यह नहीं जानते कि कब कैसे दिखता हुआ। हाँ, ये लोगों ने माता पिता ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि किस तरह से वो देखने लगा, उनको पता था, लेकिन इसलिए ये लोग जवाब नहीं दे रहे क्योंकि ये फरीसी लोगों ने जाहिर किया था कि अगर कोई यीशु को मसीह बोले उसको मंडली में से कलीसिया में से निकाल देने का है, उसका नाम निकाल देना है। डर के मारे इन लोगों ने बताया, बोले हमारा बेटा जो है ना उसको ही बुला लो, वो बड़ा हो चुका है और उसी से पूछ लो। देखो पहले लड़के से पूछताछ की फरीसी लोगों ने, उनको पता चल गया यीशु मसीह ने ये काम किया है और ये काम सच में हुआ भी। अभी माता पिता को भी पूछ रहे कि दूसरी बार पूछा कि फिर अभी तीसरी बार वापस उस अंधे को बुला कर लेकर आए। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 9 और 24 से पढ़ो। तो तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हाँ, ये लोग बोल रहे, बोले परमेश्वर की आराधना कर, यीशु की आराधना मत करो, वो तो पापी है। बोले देखो कैसी ये बातें कर रहे, तीन तीन बार इन लोगों ने पूछताछ की और तीन तीन बार इन लोगों ने जान लिया, ये इंसान तीसरी बार भी बोल रहा है कि मैं अंधा था और अब देखने लग गया हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ वो पापी है कि नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तीन तीन बार पूछा, तीन तीन बार इनको पता चल गया ये सही में अंधा पैदा हुआ था और सही में इसकी आँख है। इतने सालों के बाद प्रभु उसने खोल कर रख दी, कितना बड़ा चमत्कार। लेकिन फिर भी इन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, फिर भी इन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं माना, फिर भी ये लोग यीशु मसीह के पीछे ये लोग नहीं चले गए। एक बार प्रभु यीशु वो चर्च में चले गए और वहाँ पर शपथ का दिन था और एक स्त्री आई जो कुबड़ी थी, वो कमर से झुकी हुई थी और सीधी खड़ी नहीं रह सकती थी। प्रभु यीशु ने उसको देखा, चाहे शपथ का दिन था लेकिन प्रभु यीशु ने उसको बुलाया और उसके ऊपर उसके पीठ के ऊपर हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया वो तो सीधी खड़ी हो गई, वो तो देखने लग गई। 18 साल से उसकी ऐसी हालत थी, 18 साल से वो सीधी खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन 18 साल से वो चर्च में आने का भी बंद नहीं हुई थी। 18 साल से जो एक ही चर्च में जा रही हो, हर वो विश्राम के दिन जा रही हो, और फिर भी वहाँ के याजक लोग, वहाँ के फरीसी लोग, वहाँ के सदूकी लोग, वहाँ के अगुए उसको चंगाई ना दे सकते हो, और एक दिन उसी चर्च में अगर यीशु मसीह आ जाए और यीशु मसीह उसको बुलाकर उसको एक पल में उसको चंगा कर दें, तो वहाँ के लोगों की इज्जत क्या रह जाएगी, उनसे काम नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह से काम हो रहा है। अब ये सभी लोग जो है वो क्रोधायमान हो गए और क्रोधायमान होकर क्या बोल रहे हैं, हम बाइबल में पढ़ते लूका इसका 13वां अध्याय, उसका 13 और हम पर तो उसका 14 और 15 पद। इसीलिए यीशु ने सब के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, हाँ गुस्सा होकर लोगों से कहने लगा, उन्हें 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब के दिन में नहीं। हाँ, बोले अगर आपको चंगाई चाहिए तो 6 दिन में चंगाई ले लो, बोले लेकिन ये विश्राम का दिन है उसमें नहीं। सभी लोगों के ऊपर गुस्सा हो गए, बोले तुम लोग चंगे होते हो और हमारा नाम खराब होता है। अभी सही में इन लोगों ने चमत्कार देखा तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभु को ग्रहण करना चाहिए, प्रभु के पीछे चलना चाहिए। ये चर्च के अगुए लोग, चर्च के अधिकारी लोग, बाइबल को जानने वाले, समझने वाले, लोगों को सिखाने वाले ऐसे लोग, ये लोग गिरे हुए नहीं लेकिन ये तो ऊंचे पद के ऊपर बैठे हुए लोग जिनकी समाज में इज्जत है, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे, ग्रहण नहीं कर रहे ये लोग, ये लोग प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे, जबकि वो लोग सब जान चुके लेकिन फिर भी प्रभु यीशु के पीछे ये जो लोग हैं वो नहीं चल रहे।
जब सिमोन कोड़ी ने, जिसकी लड़की थी मरियम, जिसने प्रभु यीशु के ऊपर इत्र लगाया था, उसने जब प्रभु यीशु को खाने के ऊपर बुलाया था, और जब खाने के ऊपर बुलाया था तो उस इंसान ने जब मरियम को इत्र लगाते हुए देखा तो अपने मन में ये सोचा था। हम पढ़ते लूका उसका 7वां अध्याय और उसका 39वां पद। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी नहीं है। हाँ, यह अपने मन में ऐसे बुरे विचार कर रहा है। प्रभु उसने जान लिया कि, तो प्रभु उसने बोला, सिमोन मुझे तुझसे कुछ बातें करनी। बोले करो। बोले दो इंसान थे। बोले एक का ज़्यादा कर्ज था, समझो कि 5,000 का, और दूसरे का समझो कि 50 का कर्जा था। उसके मालिक ने दोनों को कर्ज माफ़ कर दिया, एक का 5,000, एक का 50। ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। तो बोले उसके मालिक के ऊपर ज़्यादा कौन प्रेम करेगा? तो बोले जिसको ज़्यादा क्षमा किया गया वो, मतलब 50 वाला कम प्रेम करेगा, मुझे तो 50 ही क्षमा किए गए, लेकिन जिसको 5,000 क्षमा किए गए तो बोले वो ज़्यादा प्रेम करेगा। और प्रभु उसने बोला, तू सही जवाब दे रहा है। और प्रभु उसको कहना चाहते थे कि ये जो औरत है, ये जो लड़की है, उससे ज़्यादा पाप किए, उसके ज़्यादा पाप क्षमा किए गए, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा प्रेम कर रही है। तेरे कम पाप है इससे तू ज़्यादा प्रेम नहीं कर रहा है मुझसे। मैं आया घर पर, तूने हाथ धोने को मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे तौलिया नहीं दिया, लेकिन ये देख आंसू बहा बहा कर इसने मेरे पैरों को साफ किया, अपनी चोटी से उसने मेरे पैरों को साफ किया। बोले ये जितना भी पाप था ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको क्षमा किया, ये मुझसे ज़्यादा प्रेम करेगी। अभी ये घोड़ी जो है ऐसा भी नहीं बोल रहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, मैं तो कुछ भी गलत सोच नहीं रखी, ये नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कबूल कर रहा है वो गलत है। ये भी जाना माना और समाज में जिसका ऊंचा पद है ऐसा फरीसी, चर्च में अच्छा पद धराने वाला ये व्यक्ति, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी ना तो प्रभु उसको ग्रहण कर रहा है, ना तो वो प्रभु के पीछे उछल रहा है। ये बड़े लोग जो है वो प्रभु को आसानी से ग्रहण नहीं करते। एक बार प्रभु को एक चर्च में बाइबल दिया गया, यशया नबी का पुस्तक दिया गया, बोले लोग कुछ पढ़ो, तो प्रभु उसने उसमें से अपने बारे में जो लिखा था कि प्रभु उसने मेरा मसा किया है ताकि मैं देखो आँखें दू, लोगों को सुसमाचार दू, ये सारी बातें प्रभु उसने पढ़ी। फिर प्रभु उसे बैठ गए तो सभी लोग प्रभु के पीछे देखने लगे, बोले कुछ तो बोलो, पढ़ा तो है तो कुछ तो बोलो। तो प्रभु ने जब देखा है कुछ सुनना चाहते तो प्रभु उसने उनको सुना दे, बोले आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हो चुका है, ये इंसान कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग मुझे बोलेंगे कि हे भाई तू खुद को चंगा कर, बोले सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। अभी सभी को गुस्सा है। हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 4वां अध्याय और उसका 28 और 29 पर। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, जो लोग आराधनालय में थे, चर्च में इकट्ठा हुए थे, सब क्रोध से भर गए। हाँ, सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, प्रभु यीशु को बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे। हाँ, प्रभु यीशु को उस चोटी पर ले चले, तो क्या धीरे धीरे चला कर लेकर गए? धक्के मार मार कर प्रभु यीशु को चोटी के ऊपर ले गए और चाहते थे कि इनको गिरा दे, लेकिन गिराए उससे पहले प्रभु यीशु जो है वो वहाँ से निकल गए। ये सभी लोग रेगुलर चर्च में जाने वाले, चर्च में अच्छा उनका नाम है, अच्छा उनका पद है, लेकिन प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे, उनके वचन सुन नहीं रहे, उनके वचन को अपने दिल के अंदर जो है वो उतार नहीं रहे। जो उस जमाने के पास्टर लोग थे, मतलब याजक लोग, उन लोगों ने तो 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु को खरीद भी लिया। यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के दे दिए, बोले तो अपने पास रख, लेकिन यीशु मसीह को हम हमारे हवाले कर दे, हम उसको खत्म कर देंगे। देखो याजक लोग जो पास्टर गिने जाते, जो लोगों को बाइबल सिखाते, लेकिन ऐसे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते और प्रभु यीशु के पीछे चलते नहीं।
और आखिर में इन लोगों ने प्रभु को पकड़वाई दिया। इतनी भारी सतावट की कि सही में ऐसी भारी सतावट जो है वो किसी दोषी के साथ भी कोई नहीं करता। अगर किसी ने बहुत मर्डर किया हो तो भी इसके ऐसे लोगों के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी हरकतें इन लोगों ने की, जो फरीसी थे उन लोगों ने, जो याजक थे, जो सदूकी लोग थे, ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु के साथ ऐसी हरकतें की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 15 अध्याय, मरकुस 15:17 से पढ़ो तो। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। हाँ, प्रभु यीशु को कोड़े मार दिए गए थे, ऊपर से नीचे लहूलुहान थे, और ऐसी हालत में उन लोगों ने प्रभु यीशु को, जो राजा उस जमाने में कुर्ता पहनता था, ऐसा कुर्ता प्रभु यीशु को पहनाया थे। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। हाँ, प्रभु यीशु के ऊपर कांटों का ताज रख दिया। और यहाँ कहकर उसे नमस्कार करने लगे। और फिर नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। फिर क्या किया, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते। हाँ, वो उन प्रभु यीशु के सर के ऊपर सरकंडे मतलब सोटी से मारने लगे। और उस पर थूकते, और प्रभु यीशु के ऊपर थूकते और क्या कहते थे, हे यहूदियों का राजा तुझे सलाम। देखो कैसी हरकत है, ऐसी हरकतें कोई गुरे गिरे हुए लोग करे हो तो ठीक है, समझ में भी आता है, लेकिन ये हरकतें कौन कर रहे हैं, याजक लोग। ये हरकतें कौन कर रहा है, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, जो लोग वचन को जानते हैं, समझाते हैं लोगों को, सिखाते हैं, जो चर्च में सबसे आगे, ऐसे लोग प्रभु यीशु के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी ने सही में बहुत सारे मर्डर भी कर दिए, ऐसे घिनौने भी काम कर दिए, ऐसे लोगों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता, क्या ये याजक लोग को शोभा देता है, क्या फरीसी लोगों को शोभा देता है। इनके समाज में इज्जत है, इनका समाज में मान सम्मान है, इनका चर्च में एक पद है, और ऐसे लोग ऐसी गिरी हुई हरकत करते। वह ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, आज जमाना जो है वो बदल चुका है, बहुत ज्ञान जो है वो बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ चुकी है, पर इंसान आज भी अंदर से वैसा का वैसा ही है। कैसा वैसा का वैसा, पतरस जो एक मछुआरा, जिसके समाज में कोई इज्जत नहीं, जिसके पास कोई खड़ा नहीं रह सकता, बदबू जिसके अंदर से आता हुए, सामरी स्त्री जिसको लोग व्यभिचारी नहीं समझ रहे, जो 6 पति कर चुकी है, जो 2 पर में इसलिए पानी भरने के लिए जाती है ताकि कोई उसको मिले ना, सभी के सामने बाहर नहीं निकल सकती, ऐसी गिरी हुई स्त्री, व्यभिचारी स्त्री, जन्म से अंधा, जिसका जन्म पूर्णतः से पापों में हुआ है, ऐसा व्यक्ति। और मरियम को देखो, वो भी व्यभिचारी स्त्री, गिरी हुई स्त्री, व्यभिचार में फंसी हुई, लेवी जो चुंगी लेने वाला था, गिरा हुआ इंसान, हल्के इंसान लोग, ऐसा। और ये सभी लोग जो पापों में थे, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं, झक्का एक कि जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं, लोगों ऐसे लोगों की बातें कर रहे हैं, ये तो पापी है, ये तो गिरे हुए लोग हैं, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु को तुरंत ग्रहण कर लिया। जब प्रभु यीशु इनको एक ही बार मिले और तभी इन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर दिया और प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गए। कितनी बड़ी बात। और जो बड़े हुए बड़े जो लोग थे, मतलब जिनके समाज में इज्जत है, जिनका समाज में मान है, याजक लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, जो लोग बाइबल जानते हैं, बाइबल समझते हैं, ऐसे लोग, ये हल्के लोग तो पछताए और प्रभु यीशु के पीछे वो लोग चल पड़े। अभी तक वो लोग उल्टे चलते थे, लेकिन अभी वो प्रभु यीशु के पीछे ये लोग जो है वो चलने लगे। लेकिन निकोदेमस देखो, बेहूदी बातें कर रह गया, सिमोन कोड़ी को देखो, वो अपने मन में गलत सोच रख रहा है, शास्त्री लोगों को देखो, वो भी अंदर गलत सोच रख रहा है कि ये कौन होता है पापों को माफ़ करने वाले। ये शास्त्री, फरीसी, याजक लोग जो थे,
उनके अंदर एक दिखावा था कि हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, हम बाइबल को जानने वाले लोग, हम बाइबल को सिखाने वाले लोग, इनको भी प्रभु यीशु मिले, इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं चमत्कार हो, चाहे डायरेक्ट नहीं तो लोगों को, इन लोगों ने चंगा होते हुए देखा है, अंधे को आंखें मिलते हुए देखा है, कुबड़ी स्त्री को सीधा खड़े रहते हुए देखा है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी प्रभु यीशु जो है उनको ग्रहण नहीं किया। लेकिन इन्होंने तो प्रभु यीशु का ठट्ठा किया, इन लोगों ने तो प्रभु यीशु को मार दिया, ये तो प्रभु यीशु के विरोधी थे, अपने आप को सच्चे समझते थे लेकिन सच में वो विरोधी थे। सच्चाई ये लोग भी जानते थे, इनके पास भी सच्चाई थी, इनको मालूम था कि यीशु मसीह जो भी कर रहे सही कर रहे, लेकिन डर क्या था, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी बस, इसी कारण ये लोग जो है वो सही से प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। और आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी कोई गुंडा मवाली हो, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने बोला आप मुझे बड़े से बड़े गुंडे मवाली के पास लेकर जाओ, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अगर मुझे बोलो कि परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, मैं उसको मिलने के लिए तैयार नहीं। आज जितने बड़े बड़े लोगों से मिला, उनके अंदर ऐसी ऐसी हरकतें देखी, ऐसी ऐसी बातें देखी, जिससे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो इसको ना मिला होता तो अच्छा था। बड़ी बड़ी बातें करते, लोगों को सिखाते, लेकिन उनके अंदर ही जो बात सही में होनी चाहिए वो बात नहीं है। आज जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती और हमने पढ़ा था 21वां अध्याय और 23 से लेकर 32 पद आज हमने पढ़े थे, और वहाँ पर प्रभु यीशु की कुछ बातें और फरीसी लोगों की कुछ बातें जो है वो हमको वहाँ देखने को मिलती है, और हम पढ़ते हैं उसका 23वां पद। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। हाँ, जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने, प्रधान याजक जो बड़े याजक बड़े पास्टर उन लोगों ने और जो अगुए बनकर बैठे थे उन लोगों ने, हाँ, उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? बोले तू ये काम किसके अधिकार से कर रहा है? मैं इनको मालूम है काम हो रहा है, प्रचार हो रहा है, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे बैठ जाते हैं, पापी क्षमा पाते, सब कुछ इन लोगों ने देखा, तो बोले तू कौन से अधिकार से ये काम कर रहा है? अभी इतना नहीं पता चलना चाहिए कि काम करने वाले सिर्फ परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ, परमेश्वर से अधिकार ना पाया हो ऐसा कोई भी इंसान चाहे कितनी भी बार कुछ भी बोले किसी के जीवन में चमत्कार नहीं होने वाला है। ये पता चल ही जाना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला हुआ है। आज भी ऐसे लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, याजक लोग, पास्टर लोग जो है वो आज भी पूछते, कई बार ऐसा अनुभव हो चुका है, ये जो चर्च में आगे आगे पद लेकर बैठे हुए, जब इनसे आमना सामना हो जाता है तो पक्का पूछ, कहाँ बाइबल कॉलेज की, ये पक्का पूछते, कौन सी मंडली से हुआ, अरे परमेश्वर इस्तेमाल करते, इससे अच्छा नहीं लगता तुमको कि बाइबल कॉलेज के बारे में पूछ रहे? इनको पता है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि कौन सी बाइबल कॉलेज की, कौन सी मंडली से हो, प्रभु से पूछ रहे हैं कि कौन से अधिकार से तू ये काम कर रहा है। और प्रभु से जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, और हम पढ़ते उसका 24 और 25 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु से उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। हाँ, प्रभु से बोलते, मैं भी एक सवाल करता हूँ, अगर आप मुझसे सवाल करते हो कि मैं कौन से अधिकार से काम कर रहा हूँ, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सवाल पूछता हूँ, पहले उसका उत्तर दो और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पढ़ो आगे, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हाँ, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? हाँ, प्रभु उसने पूछ लिया, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, कितनी बड़ी बात कि इन लोगों ने पूछा तू कौन सा अधिकार से काम कर रहे। प्रभु से बोलते मैं बताता हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोले यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, मतलब वो अधिकार कहाँ से मिला था? पढ़ो तो आगे, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? हाँ, वो स्वर्ग से था अधिकार या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। अभी क्या हुआ होगा, ये सभी प्रभु के सामने आ गए होंगे,
हे किसके अधिकार से काम कर रहा है? प्रभु से बताता हूँ, मुझसे एक सवाल का जवाब दो, अगर जवाब दोगे तो मैं भी बता दूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो थे उन्होंने जो बपतिस्मा शुरू किया स्वर्ग से था या इंसान से था? अभी लोग सभी सामने ही खड़े, अभी सभी लोग एक मन से आए थे, सभी लोग वापस पीछे चले गए और आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या बोले क्या बोले, इसको उत्तर क्या दे, पढ़ो तो आगे। तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, हाँ ये प्रभु को ना सुनाए दे, इस तरह से अलग कोने में जाकर बातें करते हैं कि अगर, हाँ फिर से पढ़ो, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, अगर हम कहेंगे कि वो अधिकार स्वर्ग की ओर से था, तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? हाँ बोला, अगर हम कहे कि स्वर्ग की ओर से, तो बोले विश्वास क्यों नहीं किया, मतलब जानते थे यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था, इन लोगों को पता था फिर भी नहीं माना था। फिर और यदि कहे मनुष्य की ओर से, और अगर हम ऐसा झूठ बोल दे कि नहीं मनुष्य की ओर से था, वो कोई सच्चा नहीं था, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हाँ बोले, अगर हमने इंसान से बोल दिया तो भीड़ मारेगी, क्योंकि वो तो ऊपर से ही आया था, ये तो सच्ची बात है। देखो सच्चाई जानते, आज भी चाहे कोई भी कलीसिया का पास्टर, चाहे सालेसन आर्मी का हो, चाहे वो बपतिस्मा का विरोध करता हो, चाहे वो प्रभुभोज का विरोध करता हो, लेकिन उसको अंदर से तो पता ये बात सच है, मानता नहीं वो अलग से बात है। जितने भी पास्टर छींटे का बपतिस्मा देते हैं उनको मालूम है कि नहीं बपतिस्मा कैसे लिया जाता है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ रहे, डर है उनको कि आज तक अंधकार में चले और अभी हम बोलेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, उनको अपनी इज्जत की पड़ी कि आज तक आपको नहीं पता था, अभी तक लोगों को ऐसे ही नर्क में भेज दिया, डर लग रहा है इनको, इसलिए ये लोग ग्रहण नहीं कर रहे। ये लोग भी आपस में बात कर, सच्चाई तो हम जानते लेकिन हम बोल नहीं सकते, ये बोलते तो भी फंसते, ये बोलते तो हमको मार देंगे लोग, तो जाकर क्या उत्तर दिया, पढ़ो तो। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। देखो कैसा उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कितना सफेद झूठ बोल रहे, जबकि सच्चाई जो है वो सच्चाई वो लोग जानते। एक बार एक परमेश्वर के एक दास को एक चर्च में बुलाया गया, मैं भी वहाँ पर था, तकरीबन 3 दिन की उनकी मीटिंग थी, 3 या 4 दिन की मीटिंग थी, और वो बहुत बढ़िया परमेश्वर का जो वचन थे सुना रहे थे, सिखा रहे थे, आज्ञाकारी करो। अभी क्या हुआ, ना तो पास्टर आज्ञा मानता है, ना बुलाने वाले आज्ञा मानते हैं, ना चर्च के अगुए आज्ञा मानते हैं। अभी इन सभी लोगों को ये बात भारी लगी, पता तो इनको था ही कि ये जो सिखा रहे सच सिखा रहे, लेकिन ये सच सिखाएंगे तो बाकी जो हमारे मेंबर हैं वो तो कल आकर हमसे बात करेंगे, आप तो हमको ऐसा सिखाते नहीं हो। तो क्या हुआ, इन लोगों ने मीटिंग के बाद बातें करना शुरू कर दी, ये गलत सिखा रहे, ये गलत सिखा रहे, झूठा सिखा रहे, बुलाने वाले भी वही और अभी उसकी निंदा करने वाले भी वही। अरे परमेश्वर के जो दास आए थे उनको पता चल गया, चाहे किसी ने बताया हो चाहे डायरेक्ट परमेश्वर ने बताया, उनको पता चल गया कि ये लोग मेरी ऐसी निंदा कर रहे हैं। आखिरी दिन मैं उस चर्च में हाजिर हूँ और आखिरी दिन उस पास्टर ने बोला, वो तो बाहर से आए थे, उनके पास हिंदी बाइबल था, बोले आज किसी गुजराती पढ़ने वाले को मेरे पास में बिठाओ, उनको पास में बिठा, जितना मैं पढ़ाऊँगा वो यहाँ बाइबल से गुजराती में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं कुछ वक्त दूंगा। और उन्होंने एक बार फिर से सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी ही करनी है तो ही आप स्वर्ग में जाओगे, वरना नहीं जा सकोगे। और फिर बैठ गए, बोल मैं 20 मिनट देता हूँ, जिसको मेरे वचन का विरोध करना है 20 मिनट देता हूँ विरोध करे, और मैं उनको जवाब देने के लिए यहीं पर खड़ा हूँ, इसी गुजराती बाइबल से पढ़कर मैं उसको जवाब दूंगा। 20 मिनट तक बैठ गए, सन्नाटा छा गया, ना किसी पास्टर की हिम्मत कि वो आगे जाके बोल सके कि आप गलत सिखा रहे हो, क्योंकि मालूम तो था सच्चाई सिखा रहे, सच्ची बात है। 20 मिनट के बाद एक बार फिर खड़े हो गए, उन्होंने प्रचार खत्म किया। दूसरे दिन संडे के सुबह वहाँ के पास्टर जिन्होंने इनको बुलाया था, ये भाई तो मीटिंग खत्म करके अपने घर पहुँच गए थे और इन्होंने बताया कि हमसे गलती हो गई,
हम एकजुट है भविष्यवक्ता को यहाँ पर पिछले दिनों में बुला कर लेकर आए और उन्हीं के चर्च का एक मेंबर खड़ा हो गया। कल उन्होंने 20 मिनट दी थी तब क्यों नहीं बोले, आज बोल रहे हो आप झूठे हो बंद हो जाओ, पास्टर को बिठा दिया। ये घटना हो गई है, कितनी बड़ी बात। आज भी ये चर्च में जो आगे है, जिनका पद ऊंचा है, जिनके पास बाइबल कॉलेज की डिग्री है, वो सच्चाई जानते हैं, नहीं मानते। हल्के लोग तुरंत मान लेते प्रभु से, लेकिन जिनके पास पद है वो लोग आज भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। इन लोगों ने भी पता तो चल गया था कि यूहन्ना का बपतिस्मा वो सच्चा बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना था। एक दूसरे एक सच्ची बात बता दूं, यही वडोदरा शहर की एक भूतपूर्व टीचर रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने बाइबल पढ़ा, सालेशन आर्मी के मेंबर, और बाइबल पढ़ने से पता चला बपतिस्मा तो लेना चाहिए। मैं तो आज तक नहीं लिया। उन्होंने अपनी मेंबरशिप बदल कर दूसरे चर्च में लेकर गए, बोले मुझे तो बपतिस्मा लेना है। उनको बपतिस्मा दे दिया गया छींटे वाला। अभी उसके बाद बाइबल पढ़ने से उनको पता चला नहीं ये भी गलत हुआ है, सच्चा बपतिस्मा डूबकर ही है, पश्चाताप करने के बाद ही है। उन्होंने फिर से पास्टर से बोला नहीं मुझे तो वो वाला बपतिस्मा चाहिए। बोले अभी तो नहीं दे सकते हम लोग, एक बार हो गया बस खत्म। अभी क्या हुआ, इसराइल की टूर पास्टर साहब ने ही निकाली, ये भाई साहब इसराइल घूमने के लिए चले गए। अभी वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ यर्दन नदी में बोला यहाँ पर कौन देखने वाला है, दे दो ना पास्टर साहब बपतिस्मा। पास्टर ने वहाँ पर बपतिस्मा दे दिया, इन्होंने ले लिया। अभी वापस शहर में आए और एक बार गवाही का वक्त था, उन्होंने गवाही दे दी कि मैंने इसराइल में जाकर यर्दन नदी में दोबारा बपतिस्मा ले लिया और मुझे फलाने फलाने पास्टर ने दिया और वापस एक हलचल सी हो गई। अभी ध्यान से समझना, वो पास्टर ने यर्दन नदी में दूसरी बार बपतिस्मा दिया क्यों, इसका मतलब सच्चाई जानते हैं कि सच्चा बपतिस्मा यही है और मुझे देना चाहिए, तभी तो दिया। यहाँ नहीं मानते, कलीसिया में नहीं मानते, लेकिन उनको अंदर से तो उनको पता है कि सच्चा बपतिस्मा यही है। एक पास्टर साहब ने तो अपने बेटे को ना छींटे वाला दिलाया, ना कुंड में दिलाया, नदी में जाकर दिया। क्यों, दूसरे किसी को तो नहीं देते, अपने बेटे को क्यों दिया। इसका मतलब हृदय कबूल करता है, जिस तरह से निकोदेमस कबूल करते थे, जिस तरह से और शास्त्री फरीसी कबूल करते थे, लेकिन कभी भी उन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, चाहे कितना भी जमाना बदल गया, लेकिन आज भी जो हल्के लोग होते, जो गिरे हुए लोग होते, वो तुरंत मान लेते परमेश्वर को, चाहे आज तक नहीं चले, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई मान लेते। लेकिन ये जिनके पास सच्चाई आ चुकी है और झूठ में चलते, ये लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। और फिर से पढ़ते हैं उसका 27वां पद। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ये बोलते कि हम नहीं जानते कि बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या धरती से था, हम नहीं जानते। तो प्रभु ने भी बोल दिया कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते तो मैं भी नहीं जान बताने वाला, मैं भी नहीं बताने वाला। जब इनको ये मालूम है कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था, तो उनको ये भी पता था कि प्रभु यीशु जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रभु यीशु को मानते हैं तो लोग तो बोलेंगे आपके पास तो डिग्री है, इसके पास तो डिग्री भी नहीं, तो सुथार के घर में पैदा हुआ, इनको सब कुछ आता, तुझे नहीं आता, आप लोग अभी तक अंधकार में चले थे। बस इस बात का डर लगता है। अरे मैं तो बोलता हूँ चाहे कोई निंदा करे तो करने, तो कम से कम स्वर्ग में तो पहुँच जाओ। लेकिन ऐसे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद प्रभु यीशु ने एक अच्छा सा उदाहरण दिया, और हम बाइबल में पढ़ते जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो 28 से लेकर। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा।
वह तो बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ पर तू नहीं गया। इन दोनों में से है किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। हाँ, अभी ध्यान संबंध है। यही लोग, याजक लोग, फरीसी लोग, चर्च के अग्रवेग, उन्हीं के साथ अभी बातें चल रही। प्रभु सुनो बोला, मैं भी नहीं बताने वाला कि मैं कौन से अधिकार से काम कर रहा हूँ। जब आप सच्चा जवाब नहीं दे रहे तो मैं भी आपको नहीं देने वाला। फिर प्रभु उसने एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया। बोले कि इंसान के दो बेटे थे और बोले पहले के पास जाकर बोला, बेटे जा खेत में जाकर काम कर। उसने तो तुरंत मुँह पर बाप है तो क्या है, नहीं जाने वाला मैं। बाप बोलता ठीक है भाई मत जा। लेकिन उस पछताया, बोले नहीं यार पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मान लेना चाहिए। वो पछता कर पिता को पूछे बिना चला गया और खेत में काम करने लगे। दूसरे के पास पिता गए, बोले वो तो नहीं जा रहा, तू जा खेत में काम करने। हाँ पापा मैं जाता हूँ। अच्छी बात कर रहा, लेकिन गया ही नहीं। तो प्रभु उसने इन्हीं लोगों से, जो लोग झूठा जवाब दे रहे थे हमको नहीं मालूम होने का बपतिस्मा कहाँ से, उनको ही पूछा। बोले दो में से किसने परमेश्वर की मतलब के पिता की आज्ञा मानी? तो बोले पहले वाले ने, ना बोला था लेकिन फिर भी पछता कर गए। देखो इनके पास उत्तर सही है, सच्चाई जानते हैं लोग कि सच बात जो है वो कौन है। अभी वो ध्यान समझना है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो तो बनाए बोले मैं नहीं करने वाला, लेकिन फिर पछता होता है ना, बाप के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, नहीं नहीं मैं करूँगा। फिर पिता से पूछने नहीं रहता, नहीं देखो पिताजी मैंने ना बोला था लेकिन मैं जा रहा हूँ, उनको वो सफाई देना नहीं चाहते, चले गए खेत में काम करने के लिए। दूसरा जो है उसकी इज्जत है, उसका सम्मान, हाँ पिता मैं करूँगा। पिता पे क्या समझ है, क्या बात है मेरी आज्ञा मानने वाला है तो। लेकिन वो हाँ बोलकर जो है वो नहीं करता। जो पहले वाला है ना वो उस मरियम के समान है जो व्यभिचारिणी थी। जो पहले वाले ने वो जक्कई के समान है जो चुंगी लेता था। वो लेवी के समान है, वो पतरस के समान है, वो सामरी स्त्री के समान है। गिरे वो लोग, हल्के लोग, बाप है तो क्या, नहीं जाने वाला मैं। लेकिन फिर किसी ने पछताए और चले गए परमेश्वर का काम करने के लिए। ये एक लोग है। और दूसरे लोग वो है जो बाप के आगे पीछे घूमते, हाँ प्रभु मैं करूँगा, लेकिन बोलते ही रहते, करते कुछ नहीं। और दूसरे लोग मतलब याजक लोग, फरीसी लोग, चर्च में जिनका बहुत आगे नाम है, ऐसे लोग, शास्त्री, फरीसी, याजक लोग, इन लोगों को तो इनका चुनाव ही इसलिए हुआ है बाइबल कॉलेज की, चलो हम परमेश्वर की सेवा में जुड़ जाते, चले भी जाते चर्च में, लेकिन सेवा कहाँ करते, कुछ सेवा नहीं। वो तो अपनी जॉब करते, अच्छी तनख्वाह लेते, परमेश्वर का काम वो लोग कहाँ पर कर रहे हैं। ये दो तरह के लोग उस जमाने में भी थे, आज भी वैसे ही लोग हैं। गिरे हुए लोग, शराब पीने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, उनके पास जब परमेश्वर के वचन आते तो वो लोग तुरंत मान लेते, हाँ यार सही में ऐसा नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। एक भाई साहब शराब पी रहे थे 42 साल से, उनके लिए प्रार्थना की, एक ही बात बताई कि शराब पीना वो अच्छी बात नहीं, बाइबल से दिखाया, लेकिन तू पवित्र आत्मा से भरपूर हो जा। उन्हें शराब छोड़ दिया। मैं दूसरे हफ्ते मिला, भाई साहब शराब, बोले नहीं। दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते पहुंचा, शराब, बोले नहीं पीता हूँ, छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। एक बार मैंने उनकी हथेली को देख लिया तो मुझे लगा ये जर्दा खा रहे, वहाँ पर कुछ दाग था सफ़ेद सा, मैं समझ गया। मैं बोला आप जर्दा खाते? बोले हाँ। मैं बोला जब शराब छोड़ दिया तो इसको नहीं छोड़ सकते? बोला छोड़ सकता हूँ। मैं बोले छोड़ दो? बोले छोड़ दिया। मैं बोला घर में कितना जर्दा है? उनके घर में से 19 पड़ी के निकले उसके, और एक उनके हाथ में था वो 20वां टूटा हुआ, पास में इसी गटर जा रहे थे, मैंने इसमें डालो, तुरंत डाल दिया। और कभी भी उसके बाद उसमें नहीं गए। लोग क्या समझते होंगे, वो ब्याज से पैसे देते थे लोगों को, उन्होंने ब्याज लेना बंद कर दिया, पैसा हो सकता है तो दे दो, अब ब्याज नहीं चाहिए। उनका खेत भी था, खेत में तंबाकू वो उगा रहे थे, बोले जब मैं खाता है तो उगाऊँ क्यों, बंद कर दिया। वो नहीं जानते थे परमेश्वर को, जैसे ही परमेश्वर का वचन आया तुरंत मान लिया। थे तो पहले से मसीह घराने में पैदा हुए थे, बाइबल था,
ये भी सभी लोग इज़राइल के अंदर पैदा हुए लोग, जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग, वो सामरी स्त्री भी, मरियम भी, पतरस भी, जक्कई भी, लेकिन कभी भी उन्होंने बाइबल की ओर ध्यान नहीं लगाया, कभी भी चर्च में नहीं गए, कुछ भी नहीं किया। इनको भी शुरू से करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे थे। उस बेटे के समान काम कर, नहीं करता हूँ, जा, ऐसे लोग थे। लेकिन एक बार प्रभु सुनाकर उनके जीवन में बातें की, और हाँ ये तो सच्ची बात है, तुरंत मान लिया। और जिन लोगों ने बोला था हाँ प्रभु हम तेरा ही काम करेंगे, हाँ प्रभु हम चर्च में, हम बाइबल कॉलेज करते, हम जुड़ जाते हैं प्रभु, उन्होंने आज तक काम नहीं किया। काम तो नहीं किया, लोगों को रोक कर रखा, तो भी मत कर। प्रभु उसकी परीक्षा करते थे, प्रभु उसके पीछे पड़ जाते थे, पर आखिर में ऐसे लोगों ने तो प्रभु उसको मरवा भी दिया। और फिर प्रभु से दोनों बेटे की बातें की, और दोनों बेटे को देखो किसके साथ प्रभु से तुलना की, पहले बेटे की किसके साथ और दूसरे बेटे के किसके साथ। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं उसका 31 पद पढ़ दो। दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ, उन्होंने कहा पहले ने। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले पापी लोग और वेश्या है, मतलब मरियम के जैसी, सामरी स्त्री के समान, हाँ, तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तुमसे पहले चले जाएंगे। तुम ऐसा समझते हो गिरे हुए लोग, लेकिन देखो मेरा वचन तुरंत मान लिया, ये लोग तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओगे। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना का धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। हाँ, क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास आए और तुमने उसका विश्वास न किया। तुमने उनका विश्वास नहीं किया, जबकि तुम आज भी जानते हो कि उनका बपतिस्मा ऊपर से था, स्वर्ग से था, फिर भी आप लोगों ने नहीं माना। महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, लेकिन महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने उसको मान लिया। तो ध्यान समझना, आज भी अगर बड़े बनोगे तो कल उठकर प्रभु को नहीं मानोगे। इससे अच्छा है चुंगी लेने वालों के समान, वेश्याओं के समान हल्के हुए, गिरे हुए बनो, जो प्रभु उसको ग्रहण करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। वो तुरंत मान लेते हैं हाँ हमारे अंदर पाप है, लेकिन एक तो खुद ही ऐसा समझो, हम तो वो, हम तो याजक, हम तो फरीसी, हम तो बाइबल को जानने वाले, हम तो बाइबल को समझने वाले, हम तो बाइबल को ग्रहण करने वाले, लोगों को बताने वाले, और सच्चाई में आते भी नहीं। आज भी मैंने ऐसे ही दिखाई, जिन जिन लोगों ने 5-5 बार, 10-10 बार, 50-50 बार बाइबल पढ़ाई, जिन लोगों ने बाइबल कॉलेज किए कभी नहीं मानते, लेकिन जिन लोगों ने एक भी बार नहीं बाइबल पढ़ा, उनको एक ही बार दिखाओ, वो तुरंत मान लेते हैं हाँ ऐसा है, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमने तो कहीं सीखा नहीं। वो लोग मान लेते, पश्चाताप कर लेते, लेकिन ऐसे लोग पश्चाताप नहीं करते। हाँ अकेले में पूछते तेरी सेवा कैसे चलती है, लेकिन सबके सामने पूछते शैतान का काम बंद कर। ऐसे लोग हैं, इनको डर लगता है। और परमेश्वर बोलते तुमसे पहले वेश्या है और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते। क्यों? वो तुरंत मान लेते। तुरंत मानने वाले बनो ताकि परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सको। आज भी वैसे ही दो लोग हैं, हल्के लोग और अच्छे पद धराने वाले लोग। लेकिन आज भी वही है, हल्के लोग तुरंत मानते हैं और ये लोग नहीं मानते। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, प्रभु उसने दो तरह के लोगों की बातें की, एक वो जो हल्के गिरे हुए होंगे, एक वो जो समाज में बड़े हैं, अच्छा पद है, सच्चाई उनके पास है, लेकिन नहीं मान रहे। बाइबल उनके पास है लेकिन नहीं मानने के कारण स्वर्ग में नहीं जाने वाले। लेकिन जो नर के वारिस थे, वो चुंगी लेने वाले, हल्के लोग, गिरे हुए लोग, वेश्या जैसे जीवन जीने वाले लोग, सामरी स्त्री के जैसे लोग, उस मरियम के समान, लेकिन उन्होंने मान लिया, और मान लिया तो स्वर्ग में चले गए। आज हमें कैसा बनना है वो हमारे खुद के हाथ में। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कैसा बनना चाहते हो आप? तुरंत मानने वाले, या अपने पद की फिक्र, स्वर्ग में जाना चाहते हो उस वेश्याओं के समान, उस चुंगी लेने वाले के समान, तुरंत परमेश्वर के वचन ग्रहण करने वाले बनो।
बचाए जाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।